मार्केट में सना ने धोखा दे दिया। लेकिन नल्ली से मैंने क्या क्या खरीद, नोज ऑलमोस्ट $10 वन मैन। हाय फ्रेंड्स, बहुत दिनों बाद ऐसा हुआ है कि सुबह सुबह उठ के ना मैं मूवी देख रही हूँ। तो आज शनिवार है एंड अभी टाइम हुआ है 9 बजे एंड मैं तो आई थिंक सो 7 बजे से उठ गई हूँ। इनफैक्ट ये मूवी मैं कल रात से देख रही हूँ, मुझे ये मूवी देखने का बहुत शौक था एंड कल ही आई थिंक सो रात को ये आया है नेटफ्लिक्स पे, दैट इज मिसेस चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे। रानी मुखर्जी ने किया एक्टिंग किया है, दिस इज अ मस्ट वॉच मैं बोलूंगी, स्पेशली जो लोग बाहर रहते हैं, बिकॉज सम ऑफ द थिंग्स आर यू नो वेल वी कैन कनेक्ट लिटिल बिट। इट्स टू गुड, बहुत अच्छा एक्टिंग कर, शी डिडंट अप्लाई एनी मेकअप ऑल्सो। वही मैं शॉमी को बोल रही थी कि बहुत ही अच्छा मूवी है, तो अभी भी 33 मिनट्स बाकी है। कल रात मैंने थोड़ा देखा, मैंने सिद को सुलाया, सिद को जब सुलाते हैं ना उसके बाद हम लोग लाइक रूम का लाइट एंड ऑल ऑफ सब ऑफ कर देते हैं, तो फिर मैं नीचे गई तो नीचे जाके मैंने फिर थोड़ा देखा। फिर ना सुबह सिद 7 o'clock के उठ गया था, तो शॉमी को लेके पाया तुम देखो अपना मूवी, में सिद को लेके ऊपर चला जाता हूँ, तो आई वॉज वॉचिंग दिस मूवी। तो चलिए अभी ऊपर चले जाते हैं क्योंकि सिद को खाना खिलाना है एंड ये वाइट नॉइज बंद कर देते हैं। पता नहीं इससे सिद का कुछ होता है कि नहीं, इससे मुझे लगता है हम लोग ही अच्छा सोते हैं। तो वेलकम बैक टू माई चैनल। काफी अच्छा वेदर है एंड हम लोग का आज प्लान है कि शॉमिक एंड मैं आज बहुत दिनों बाद अकेले जाएंगे क्योंकि हम लोग जा रहे हैं एडिसन टू बाय इंडियन ग्रॉसरी हम लोग को एंड थोड़ा बहुत कुछ सामान खरीदना है क्योंकि अभी थोड़ा गर्मी भी है एंड दोनों को लाइक स्पेशली सिद को लेके जाते हैं ना, तो क्या और करेगा यू नो ग्रॉसरी स्टोर, और में सबसे अच्छा है कि हम दोनों ही जा, विल जस्ट गेट एवरीथिंग जो जो चाहिए एंड फिर आ जाएंगे। तो सना आ जाएगी एंड राय को भी नहीं जाना था, तो राय की दोस्त लोग आएंगे, तो दैट्स ए गुड थिंग। तो दोनों बच्चे लोग, तीनों बच्चे लोग घर में रहेंगे एंड हम लोग। तो आज काफी अच्छा मौसम है एंड आज काफी गर्मी भी होने वाला है, तो नाउ द टाइम इज 9:20 एंड सीध यहाँ पे अभी क्रैंकी हो रहा था पर अभी खुश हो जाएगा बिकॉज कैमरा इज ऑन, कैमरा ऑन तो सिद्ध हो जाता है खुश। इसको इसके लिए नींद आ गया, ये मुझे लगता है 7:00 आगे ही जागा चलो ना, फ्रॉम 6:30 जगा हुआ था, तो अभी इसको बहुत नींद आ गया। हाँ बहुत नींद आ गया मुझे, हाँ बहुत नींद आ गया। हाँ तो एंड मुझे अभी रेक्स को लेके बाहर जाना है एंड हम लोगों के घर में बेस्ट मैगी बनाते हैं शॉमिक, तो शॉमिक यहाँ पे मैगी बना रहे एंड किसको किसको मैगी देख के खाने का मन कर रहा है कमेंट पे जरूर बताना। तो मैंने आज अपना फ्रीजर से एम्प्टी कर दिया है बिकॉज जब न्यू जर्सी जाते हैं ना वी गेट अ लॉट ऑफ फिश, ताकि जगह हो जाए एंड नीचे में तो है ही, पर आई थिंक सो इट विल बी फाइन। ये दो, ये और ये, इस बोतल एम्प्टी। तो सिद के लिए भी मैंने यू नो चावल फिर दाल एंड सिद को एक्चुअली पालक बहुत पसंद है, तो मैं थोड़ा ज़्यादा ही पालक देती हूँ, पालक गाजर सब भिगो के रख दिया है एंड फिर इसको प्रेशर कुकर करूँगी तो हो जाएगा, लाइक खिचड़ी टाइप होता है। सिद का खाना शायद मैं सोच रही हूँ कि मैं आके बनाऊँ क्योंकि सिद ने लाइक सिद का ब्रेकफास्ट थोड़ा हेवी था एंड अभी उसको मिल्क पिला देंगे तो वो सो जाएगा, क्योंकि दिस इज समथिंग ना जो सना को खिलाना, टू बी वेरी ऑनेस्ट यहाँ पे ना वो लोग को आता ही नहीं है। वो लोग लाइक अभी के जो स्टेज है ना बच्चों लोग ना खुद खाते खुद और कितना ही खाएंगे एंड ऐसा तो वो लोग खाते ही नहीं है, जैसे वो मूवी में भी लाइक सम ऑफ द थिंग्स आर सो लाइक इतना कनेक्ट कर पाते हैं ना, जैसे कि वो लोग बोल रहे थे ना कि बच्चों को हाँ फोर्स फीड कराते हैं, तो समवेयर आई फील सी हम लोग इंडियंस लोग का वी हैव दिस हैबिट राइट, हैबिट मतलब क्या बच्चों को क्या समझ में आएगा। यू नो सना तो ऐसे सीधा ऐसा भी देखेगा ना तो सना बोलेगा नहीं नहीं हो गया हो गया, ही इज डन, तो कौन सा बच्चा हाँ करके खाएगा, बहुत ही कम बच्चे लोग होते हैं। तो जब मैं सुबह उठी मैं सोच रही थी यू नो सना तो आएगी, मैं और शॉमी की यू नो हम लोग अच्छी तरीके से जाएंगे, मैं शॉमी को बोल रही थी वहाँ पे जाके कोई रेस्टोरेंट में खाएंगे, पर फुल प्लान फ्लॉप हो गया, वो आई नहीं एंड वी वर वेटिंग वेटिंग वेटिंग, फिर हम लोगों ने बोला कि कार अगर खराब हो गया देन टेक ए उबर एंड कम,
फिर शी डिडंट रिप्लाई ओनली टू एनी कॉल, तो फिर और क्या करे। फिर शौमिक को लगी चलो सिद्ध को लेके चलते हैं, तो सिद्ध ना सो गया था। फिर जगने के बाद फिर मैंने इसको खिलाया, फिर इसको शावर भी दे दिया, फिर हम लोग लेके जा रहे क्योंकि नहीं होगा। एंड एक्चुअली ना लाइक क्या बोलूँ, मुझे सामान चाहिए ही चाहिए, है फंक्शन इन माई हाउस। तो आज एक्चुअली द प्रॉब्लम इज कि अभी ना शनिवार में काफ़ी लेट हो जाता है, स्पेशली ये ब्रिज जो मैं आप सबको दिखाती रहती हूँ। एंड उम्मीद करती हूँ कि सिद्ध सो जाए, तो फाइनली मिशन सक्सेसफुल, सिद्ध सो गया। सिद्ध बीच में जो रोया, फिर मैंने शॉमी को बोला प्लीज वो गाना लगाओ, 80s का गाना लगाओ। एंड बहुत जन अपने पूछते रहते हैं फाइनल कौन सा गाना है। वन तो सॉन्ग इज रियली फनी, वो 80s का नहीं है, वो 90s का है। पर सिद्ध सबसे अच्छा वो मासूम मूवी का गाना है ना, दो नैना और एक कहानी, वो सुनते ही ना सिद्ध सो जाता है। तो रात को जब वो सोता है ना, मैं हर वक्त एलेक्सा को बोलती हूँ वो अमेज़न म्यूजिक पे, तो लगाया ना। फिर शौमिक बोले हाँ सच्ची सो गया, फिर से फिर फुल सो गया। तो पहुंच गए हम लोग ओक ट्री रोड, एंड इसको आप लिटिल इंडिया भी बोल सकते हैं। आई एम श्योर जो लोग भी यहाँ पे रहते हैं ना, इंडिया को ना इतना ज्यादा मिस नहीं करेंगे। यहाँ पे आते हैं तो लगते हैं कि इंडिया पे आ गए। तो फर्स्ट हम लोग ये शॉप आए हैं स्पेशली फिश खरीदने, क्योंकि मेरे घर में एक फंक्शन है ना, तो चलिए चले जाते हैं। तो ये शॉप का ना फिश काफ़ी अच्छा है, एंड वी गेट ए लॉट ऑफ वेराइटी ऑफ जो बंगाली फिश होता है। तो मुझे तो बंगाली पढ़ना नहीं आता है, तो शौमिक देख रहे हैं। जनरली जो हिलशा फिश होता है ना, वो बांग्लादेश का ही सबसे बेहतरीन होता है। एंड रिमेंबर मैंने आप सबको बोरी दिखाया था, तो यहाँ पे काफ़ी सारे मिलते हैं, लाइक डिफरेंट डाल का ये बनता है। एंड आज और इतना ज़्यादा ग्रॉसरी नहीं करेंगे, मोस्ट ऑफ यू कैन अंडरस्टैंड। इतना परेशान कर रहा था शॉप के अंदर भी जाके, फिर सिर्फ हम लोगों ने फिश एंड ऑल लिया, लाइक यू नो जो सब हम लोगों के वहाँ पे मिलेगा। मैंने शौमिक को बोला छोड़ दो, कोई ज़रूरत नहीं है। एंड ये शॉप में एक्चुअली फिश ही सबसे अच्छा मिलता है, लाइक वी गेट अ लॉट ऑफ वेराइटी ऑफ फिश। जैसे मैं बोल रही थी ना, मेरे घर में एक फंक्शन है, तो मुझे उसके लिए फिश चाहिए। तो जो भी हो, नेक्स्ट अभी हम लोग जाएंगे ज्वेलरी शॉप। मुझे नल्ली भी जाना था, एक मिनट का काम था, देखती हूँ अभी क्या करूँगी। सिर्फ कॉन्स्टेंटली वो कर रहा है शॉपिंग, इसलिए कि लास्ट मिनट में सदा ने धोखा दे दिया। नहीं वो पहले ही बोल देती ना नहीं आती, तो फिर हम लोग दूसरा कुछ प्लान करते। लाइक उसने बहुत लेट बोला है, एक्चुअली जाते वक्त ना काफ़ी ट्रैफिक भी हो जाएगा। तो वही मैं बोलती हूँ ना, सिद्ध का इज़ ऑलवेज ऐसा, चलना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए, रुकेगा तो सिद्ध रोएगा। तो उसके बाद हम लोग नल्ली गए, क्योंकि मुझे ना साड़ी लेना है, लाइक जस्ट फॉर रिवर्स। ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे नल्ली का साड़ी लेना है, मेरे लिए नहीं है। तो मुझे रेड कलर का ही साड़ी चाहिए, तो मैंने ना लाइक उसको बोला कि मुझे ऐसा थोड़ा लोअर प्राइस में कोई भी साड़ी दिखाओ। तो ये तीन साड़ी मैंने सिलेक्ट किया था। एंड नल्ली पे एक्चुअली ब्लाउज बहुत अच्छा मिलता है रेडीमेड। इस बार जब मैं गई ना, तभी मैंने नोटिस किया, पर अभी मुझे कुछ भी नहीं लेना है। बट सी द फिनिशिंग एंड ऑल इज बहुत ही अच्छा था। एंड यहाँ पे शौमिक कुछ देख रहे हैं। तो उसके बाद हम लोग आभूषण ज्वेलर गए, क्योंकि कल मदर्स डे। नहीं यार, मेरे लिए कुछ नहीं है। एक्चुअली मोस्ट ऑफ यू नो कि राय ने ना नोज पियर्सिंग किया था, तो 2 मंथ बाद बोला है यू नो कुछ पहनने को, तो वही खरीदने के लिए आए हैं। तो देखते हैं कौन सा लेंगे। तो सिद्ध कॉन्स्टेंटली लाइक हम लोग जहाँ पे भी जाते थे ना, सिद्ध को स्ट्रॉलर से निकाल लेते थे। एंड सोने के शॉप पे आओ यार, तो सभी कुछ खरीदने का मन करता है। एंड देन वहाँ पे ना एक बहुत ही अच्छा साउथ इंडियन रेस्टोरेंट था, हम लोग गए एंड सिद्ध वॉज गुड एक्चुअली। एंड दिस इज़ घी मसाला डोसा, एंड पता नहीं मैं कितने सालों के बाद खा रही हूँ। एंड आई टुक ना सम इडली फॉर सिद्ध, जो सिद्ध ने ना काफ़ी अच्छे तरीके से खाया। एंड इडली ना बहुत फ्रेश था, तो मुझे लगा चलो मैं देखती हूँ सिद्ध खाएगा क्या। एंड सिद्ध ने बहुत ही अच्छी तरीके से इडली खाया, एंड डोसा बहुत टेस्टी था, एंड सांभर ऑल्सो वॉज सो नाइस। एंड उसके साथ हम लोगों ने लिया था मद्रास कॉफ़ी, ये भी पता नहीं कितने सालों के बाद खा रहे हैं। तो द साउथ इंडियन फूड वॉज डिलीशियस, बहुत दिनों के बाद। एंड मेनी ऑफ यू टोल्ड मी अबाउट दिस, कभी चांस ही नहीं हुआ। एंड आई गॉट पान ऑल्सो,
वही 8 ईयर बिफोर, पर तब इतना अच्छा नहीं लगा था वो, तब भी सौमिक बोल रहे अच्छा लगा था, भूल गई मैं। तो यहाँ पे मैंगो मिल रहा है, बहुत अच्छा मैंगो है, एक बॉक्स का $60। तो बोल रहे थे दो ले लो, मैंने बोला नहीं एक ही लेते हैं, तो ऑलमोस्ट वी आर डन। सीध को ना वहाँ पे फर्स्ट टाइम सीध ने आज इडली खाया, एंड द इडली वॉज सो गुड, लाइक बिल्कुल फ्रेश इडली था। तो मैं अभी सोच रही हूँ घर में इडली बनाऊँ लाइक, पर मुझे इडली का ना एक्चुअली मुझे इडली बनाना नहीं आता है, मतलब मुझे ऐसा डोसे बनाना आता है, बट द बैटर इज डिफरेंट ना, आप लोग बता रहा ना, आई नो मेनी ऑफ यू आर एक्सपर्ट इन मेकिंग इडली, की इडली का लाइक सिंपल रेसिपी कौन सा है ना, द प्रोपोर्शन। तो आते वक्त हम लोगों को बहुत ट्रैफिक मिला, आप लोग बहुत जन पूछते रहते पायल अमेरिका में ट्रैफिक होता है क्या, हाँ जैम भी लगता है, लाइक इट टुक अस मोर देन 1.5 आवर। तो अभी 7 बज गया है, एंड सिद्ध लास्ट में जाके जब घर पहुंच ही रहे थे तब ये सो गया, तो भी इसको यहीं पे रहने देते। एंड फिश जो था ना वो मैंने आके यू नो आई केप्ट इट इनसाइड, क्योंकि फिश अभी नहीं बनाएंगे, मैं जैसे बोल रही हूँ आई हैव ए फंक्शन, तो उसी के लिए आई गॉट, तो सी फिश मैंने यहाँ पे रख दिया। पर आज लाइक बहुत ही मिनिमल हम लोगों ने खरीदा, एक तो सीध भी था, हाँ सीध थोड़ा थोड़ा क्रैंकी हो रहा था, तो हम लोगों को लगा वो ही लेते हैं यू नो, जो हम लोगों को यहाँ पे नहीं मिलता है, रिमेनिंग तो एवरीथिंग वी गेट, आई शो यू ऑल व्हाट आर द स्टफ वी गॉट। ओनली ना मुझे वो घी बहुत पसंद है, ये वी बंगालीज लोग ना हम लोग ये घी खाते, ये फुल ख़त्म हो गया, दिस इज़ रियली नाइस, इसका बहुत अच्छा टेस्ट होता है, तो ये घी नहीं था आज, बट कोई बात नहीं, होगा नहीं थे तो क्या करेंगे। तो राय को बहुत कुल्फी पसंद है, पता नहीं ये खाने में कैसा होगा, वी गॉट दिस कुल्फी, चलिए ओपन करके देखते हैं। एंड ये राय के फ्रेंड्स लोग आए थे ना, तो नॉट पिज्ज़ा कुछ एक था, गार्लिक ब्रेड विद बीफ, किसी ने भी नहीं खाया, तो दिस इज द कुल्फी, सी अच्छा लग रहा है देखने में, एंड बेस्ट इज कुल्फी के साथ स्पून भी दिया है। वेट मैं आप सबको ओपन करके दिखाती हूँ, फुल मेल्ट ही हो गया आज, कितना गर्मी है, चलिए फ्रिज में रख देते हैं, वो फुल गल गया, मैं थोड़ा टेस्ट करके देखती हूँ, एक्चुअली इट्स रियली टेस्टी। गलती हो गया यार, मुझे और एक लाना चाहिए था, तो मेरे फंक्शन पे भी हो जाता। फिर ये एक मिठाई है, आई थिंक सो ये कलाकंद जैसा है, फिर दिस इज़ ग्रीन चिली सॉस, पता नहीं मैं क्यों ऐसा पाउच में लाई। ये एक बिस्किट है, फिर दिस इज़ अचार मसाला, क्योंकि इससे ना अचारी चिकन बना सकते हैं, मेरे पास जो अचार मसाला है वो ना ज़्यादा ऐसा क्या बोलते खट्टा नहीं, क्या बोलते हैं करवा करवा टाइप है, तो लेट मी सी ये कैसा है, क्योंकि शान के मसाले मुझे काफ़ी पसंद है। फिर यहाँ पे जो हम लोगों ने खाया था ना सांभर वॉज सो गुड, सो वी गॉट द सांभर एंड इडली, एंड दिस इज़ पोंगल, एंड रैक सोच रहा है मम्मी मेरे लिए क्या लाए हो, ये भी मुझे बहुत पसंद है, एंड सी इसको हम लोग बोलते हैं दोयर हाड़ी, कितना बड़ा है, सो ये भी मैं रख दूंगी, एंड ये बहुत टेस्टी होता है, शायद ये खीर करके ना फिर दही बनाते हैं, लाइक मिष्टी दोई जिसको बोलते हैं वो है, तो दिस इज़ फ्रॉम दिस कंपनी, ये बंगाली में लिखा हुआ है, मैनी ऑफ यू नो कि मुझे बंगाली पढ़ना नहीं आता है, आई थिंक सर टाटका, टाटका मीन्स फ्रेश। फिर आई गॉट दिस चीनी गुड़ा, दिस इज सेम है जीरा राइस का जैसा ये, पर मैंने पहले इस राइस को खाया, मैंने देखा ना इसका एरोमा एक्चुअली ज़्यादा अच्छा है, तो ये खीर बनाने के लिए आई फील बहुत ही अच्छा होगा। एंड ये है काशुंदी, ये बंगाली का बहुत फेवरेट है। फिर सम स्वीट, ये दिस वन शॉमिक गॉट, और शौमिक को पता नहीं था दैट मैंने खरीदा, तो फिर से शौमिक ने खरीद लिया, एंड या फिर ये है रसगुल्ला, ये भी बहुत ही टेस्टी होता है, ये फ्रोजन रहता है, तो ये भी मैं रख दूंगी बिकॉज आई गॉट दिस वन फॉर द फंक्शन। एक्चुअली जो मिठाई एंड ऑल है ये सब नहीं, ये सब हम लोगों के लिए है, बट ये सब यू नो दही एंड रसगुल्ला ये स्पेशली फॉर द फंक्शन। हाँ
हाँ मैंने आप सबको दिखाया है ना, वहाँ पे ना बाहर वो लोग मैंगो सेल कर रहे थे आई थिंक सो। एक इज हिमसागर ना जनाई, हाँ तो ये मैंगो का नेम है हिमन पसंद, हम लोग इसको हिमसागर बोलते सी। ये मैंगो ना ऐसा बहुत बड़ा बड़ा होता है, बट आप लोग बताना ना ये तो फुल कच्चा लग रहा है यार, $60 का 6 मैंगो, ऑलमोस्ट $10 वन मैंगो, पर हाँ ये कच्चा है यार। शुड आई कीप लाइक दिस ओनली या व्हाट टू डू, बिकॉज इतना बड़ा मैंगो में राइस में कैसा करके रखूँ, पता नहीं, देख के लाना चाहिए था हम लोग। ये है राय का नोज रिंग, सी ये है, ये है लाइक दिस इज डायमंड, वो लोग ने सर्टिफिकेट भी दिया है। एंड ये नीचे वाला क्या है यार, सिल्वर या गोल्ड, मैंने और पूछा नहीं। दे टू अराउंड कितना, $285 वो लोग ने लिया है। तो अच्छा हुआ कि सुबह में फ्रिज साफ करके गई थी, क्योंकि फिर ना तुरंत मैंने सब कुछ जो जो फ्रिज पे रखना था मैंने रख दिया, बिकॉज नाइट का टाइम मैं जैसे बोलती हूँ ना, सिद को खाना खिलाने के बाद ना फिर बच्चों को लेके बहुत सारा काम रहता है, बिकॉज आई गिव हिम शावर एवरी नाइट। तो चलिए अभी मैं कल मिलती हूँ आप सबसे। तो आज संडे हो गया है एंड टुडे इट्स मदर्स डे, तो हैप्पी मदर्स डे टू ऑल द ब्यूटीफुल मदर आउट देयर। सो अभी टाइम हो रहा है 10 o'clock एंड हम लोग अभी जस्ट नींद से उठे। एंड हाँ, व्लॉग एंड करने से पहले मैं आप सबको दिखा देती हूँ कि नल्ली से मैंने क्या क्या खरीदा। वेट, मैं ट्राईपॉड लगाती हूँ। तो चलिए दिखाते हैं कि नल्ली से मैंने क्या क्या खरीदा। नल्ली से मैंने तो कल कुछ भी नहीं खरीदा, नल्ली से कल शोमेक ने खरीदा एंड इट्स सो गुड यार। व्हाट आर दिस कॉल्ड, शॉर्ट कुर्तीज ना शोमेक, शॉर्ट कुर्ता, बहुत ही अच्छा है सी ऐसा। एंड कपड़ा ना, नल्ली का मेन थिंग इज द क्वालिटी ऑफ द कपड़ा, लाइक दिस ऑल आर प्योर कॉटन का है एंड फिर शॉर्ट है, तो शॉमिक ने जब पहना ना बहुत ही अच्छा लग रहा था। एंड द प्राइस इज ओनली $13, सिर्फ $13 है, दैट इज ओ सिर्फ तो बाहर रहना है। एंड ये इसका हैंड हाफ क्यों है शॉमिक, ओ ये शॉर्ट हैंड भी शॉर्ट ही है, तो इसका हैंड शॉर्ट है, अच्छा है ना सी। फिर लास्ट मैं जैसे बोल रही थी ना, मुझे एक साड़ी चाहिए था, तो आई गॉट दिस साड़ी। ये साड़ी मेरे लिए नहीं है, यू नो दिस इज़ फॉर एक रिवाज के लिए ही है, तो उसके लिए मुझे रेड साड़ी चाहिए था। तो आप लोग बताना साड़ी कैसा हुआ है। ये दिस साड़ी इज़ नॉट दिस मच एक्सपेंसिव, बिल्कुल इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, मैं बोल रही हूँ ना, यू नो जिसको मैं दूंगी इफ़ यू वॉन्ट शी कैन वेयर इट, नहीं तो ऐसा ही रख देंगे, मुझे जो रिवाज करना है फॉर दैट ओनली। तो पर अच्छा है साड़ी का कलर सी, बहुत ही सुंदर रेड है सी, रेड में ब्लू, एंड शायद इसके अंदर में ब्लाउज पीस भी है। ओ हाँ, वो लोग बोल रहे थे ब्लाउज पीस भी है, मैंने ओ दाचल मैंने कुछ भी नहीं देखा, मुझे सिर्फ लाइक आई जस्ट वांटेड रेड, यू नो मुझे रेड कलर का ही चाहिए था, समथिंग शी वाज सेइंग। मुझे ना साड़ी के बारे में इतना आइडिया नहीं है, सी ऐसा है। सो चलिए उसके साथ ही ये व्लॉग को एंड कर देते हैं। आई होप सो जो मेरा शॉपिंग व्लॉग था आप सबको पसंद आया होगा, मैंने थोड़ा शेयर किया। एंड अभी शॉमिक एंड सिद होल डे यहाँ पे ही रहेंगे, सिद को यहाँ पे खेलना बहुत पसंद है। एंड मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब आर एंजॉइंग योर मदर्स डे। एंड हाँ, जो लोग बहुत जन ऐसे हैं जो लोग कॉलेज में जाते हैं, यू ऑल्सो वॉच मी, आई होप सो यू ऑल विल पैम्पर योर मॉम टुडे, पैम्पर नहीं तो एटलीस्ट गो एंड से देम हैप्पी मदर्स डे, हग देम, बोलो को बहुत ही अच्छा लगेगा। तो चलिए विद दिस लेट्स एंड दिस व्लॉग एंड हाँ बाय बाय।